स्वागत है मेरे अखिल विश्व के अतुलनीय वी परिवार में आप सभी का। मैं आपका चीफ आज इस वेडनेसडे मैसेज में बहुत ही उत्साहित होकर आया हूं। और आज घर से निकलने से पहले जब मैं कपड़े पहन रहा था तो मुझे ये टी शर्ट पहनने का मन कर रहा था जो कि मेरे आज के मैसेज को आप लोगों के बीच रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने इस टी शर्ट को चुना जिस पर लिखा हुआ है लॉयल्टी, इसे आप भी पढ़ सकते हो। ये लॉयल्टी वर्ड मेरे लाइफ में अनेक लोगों के साथ मेरे रिश्तों को दर्शा रहा है, स्पेशल तौर पर हमारे फाउंडर दातु श्री विजय और जापादास बिस्मार्क के साथ। परंतु नेटवर्क मार्केटिंग में यदि आप नए हैं और यह वीडियो देख रहे हैं तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लॉयल्टी कॉन्सेप्ट क्या है ये आगे समझेंगे। ये वो कॉन्सेप्ट है जिसे आपको समझने की जरूरत भी नहीं है, ये वो कॉन्सेप्ट है जिससे आपको आलिंगन करने की जरूरत है, ये वो कॉन्सेप्ट है जो आपको डिफाइन करता है, आपके रिलेशनशिप को डिफाइन नहीं करता। ये उस व्यक्ति को डिफाइन नहीं करता जिसके प्रति आप निष्ठा रखते हो, बल्कि ये डिफाइन करता है कि आप कौन हो। 22 सालों बाद यदि पद्मन सनाती राजा की सिर्फ एक परिभाषा है जिसे कि मैं बहुत ही सीरियस लेता हूं कि दातु श्री विजय ईश्वर के प्रति मेरी निष्ठा है, एक व्यक्ति के रूप में उनके प्रति मेरी निष्ठा है कि वो मेरे मेंटोर हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे अपलाइन हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे कड़ी और कठिन चीज होती है इस टॉपिक पर बात करना। और आज क्विनेट और द वी में भी बहुत कम से कम लोग ही हैं जो इस लॉयल्टी के बारे में बात करते हैं, निष्ठा के बारे में, वफादारी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आज सारी दुनिया इस टॉपिक पर बात करना बंद कर चुकी है। अगर आप ये देखोगे कि समाज कैसे चेंज और विकास कर रहा है तो इस शब्द का कुछ ज्यादा मतलब नहीं निकलेगा, लेकिन मैं इस शब्द के सहारे ही ग्रो कर रहा हूं। ये शब्द जो कि हमारे सिस्टम का कोर वैल्यू है, ये भाव मेरे हृदय में है, मेरी आत्मा में है, मेरे अस्तित्व में है, ये प्रतिदिन प्रतिक्षण मुझ में पैदा किया गया मेरी मां के द्वारा, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। वो मुझसे अक्सर कहा करती थी कि किसी व्यक्ति के बारे में पहचान कराने वाली चीज व्यक्ति के जीवन में आए लोगों के प्रति उसकी निष्ठा ही होती है। लॉयल्टी या निष्ठा का जो मतलब आप समझते हो ना नेटवर्क मार्केटिंग में, उससे कहीं ज्यादा ही अप्लाई होती है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग अथवा हमारा बिजनेस लगातार मैक्स आउट, मेकिंग मनी, फाइनेंशियल फ्रीडम के बिजनेस के रूप में प्रोजेक्टेड किया जाता है। और मैं पूर्णतः इस बात से सहमत हूं, लेकिन एक जरूरी चीज जो आप देखने में हमेशा असफल हो जाते हो, जो मैक्स आउट का मुख्य अंग है, जो फाइनेंशियल फ्रीडम पाने का मुख्य अंग है अथवा आपके सपनों को साकार करने का मुख्य अवयव है, वह है प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन एंड प्रेजेंटेशन। जी हाँ, अपने सपनों को साकार करो और जीवन के युद्ध में विजेता बनो, परंतु इन सब के बीच एक अवयव ऐसा है जो सदैव ही स्थिर रहता है, जिसकी आपकी टीम में आक्रामक रूप से अधिक व्याख्या होनी चाहिए, और वो है लॉयल्टी, वफादारी। क्योंकि क्विनेट में यदि आप सफल होना चाहते हो तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता है कि आपके डाउनलाइन आपके प्रति निष्ठावान हो, और ये तभी संभव है जब आप अपने अपलाइन के प्रति निष्ठावान रहोगे। यदि आप दातु श्री विजय की फिलॉसफी रिदम के प्रति निष्ठावान रहोगे, यदि आप निष्ठावान नहीं हो किसी बिल्डिंग कॉम्प्लेन या किसी प्रोडक्ट के प्रति, तो ये आपकी निष्ठा को रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। लॉयल्टी वह चीज होती है जो आपके हृदय में होती है, लॉयल्टी सिर्फ अच्छे समय में दिखाने वाली कोई चीज नहीं होती, क्योंकि मैंने अब तक के सफर में यह देखा है कि जब समय अच्छा चल रहा होता है ना, तब हर कोई आपके प्रति लॉयल होता है, वफादार होता है। यदि आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है जो पैसा कमा रहा है, मैक्स आउट भी हो रहा है, आई लव यू चीफ, आई लव यू दातु श्री विजय, आई लव यू जापादास, ये सब कुछ बोलता है, लेकिन इस 22 साल के सफर में मैंने यह भी सीखा है कि सच्ची निष्ठा तब दिखती है जब आप बुरे समय से गुजर रहे होते हो, जब लोगों का चेक घट जाता है, जब मार्केट चुनौतियों से गुजर रहा होता है, जब मीडिया नेगेटिविटी फैला रही होती है, उस समय को मैं अप्रिशिएट करता हूं, क्योंकि तभी मैं सच में जान पाता हूं कि दातु श्री के प्रति कौन कौन लॉयल है। मात्र वही एक समय होता है लॉयल्टी को मापने का। अगर आपने अपना सफर क्यूनेट के साथ शुरू किया है तो क्यूनेट के साथ पूरे सफर में आप या गलती करोगे यदि आप सिर्फ अच्छे समय में लॉयल्टी दिखाओगे। ऐसे लॉयल्टी एक जुगाड़ के समान होती है जिसका कोई मतलब नहीं होता है। ऐसी लॉयल्टी किसी व्यक्ति का रिफ्लेक्शन नहीं होती। लॉयल्टी को चेक करने का सही समय तब होता है जब आप चुनौतियों से घिरे होते हो। मैं हमेशा से अपने वर्णन से मैसेज में कहता रहा हूं कि मास्टर प्लान में कभी गलती नहीं होती। जब आप चुनौतियों में होते हैं तभी आप समझ पाते हैं कि कोई व्यक्ति आपके प्रति कितना लॉयल था।
क्या वो सच में आपके प्रति लॉयल था या आपके पैसे के प्रति था, या आपके पहचान की वजह से था, या आपसे उसको होने वाले किसी लाभ की वजह से लॉयल्टी दिख रही थी, अथवा क्या उसकी लॉयल्टी सच में रियल थी या दिखावा था। क्योंकि असली लॉयल्टी सिर्फ और सिर्फ कठिन समय में ही देखी जा सकती है। मुझे मेरे मेंटोर दातोश्री विजय हमेशा ये सिखाया करते हैं कि वफादारी उस व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं रखती है, इसका रिश्ते से कोई लेना देना नहीं होता है, या हस्बैंड और वाइफ बेहतर तरीके से या खराब तरीके से जीवन भर साथ रहते हैं, फिर भी तलाक नाम की कोई चीज दुनिया में एग्जिस्ट करती है। निष्ठा किसी व्यक्ति के द्वारा परिभाषित नहीं की जा सकती कि वो अगला आदमी आपका कौन लगता है। लॉयल्टी ही बताती है कि आप कौन हो। लॉयल्टी आपका DNA होता है, आपका चरित्र होता है, आपकी अखंडता होती है। आप जितने निष्ठावान दिखते हो उसी से पता चलता है कि आप कौन हो। एक बात मैं अपने सफर में हमेशा याद रखना चाहता हूं कि एक दिन जब भगवान मुझे अपने घर बुलाएगा तो मैं मैक्स आउट चीफ या मिलियनेयर या स्टेज के महान व्यक्तित्व आदि के रूप में याद ना किया जाऊं। इस पहचान का मेरे लिए कोई मतलब नहीं होगा। जिस दिन मैं दुनिया में नहीं रहूंगा, मुझे उम्मीद है कि लोग मेरे बच्चों को यह बात बताएंगे कि तुम्हारे पिता एक महान वफादार व्यक्ति थे। वफादारी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, वफादारी उनके खून में थी। और मेरे लिए यह पहचान बाकी किसी भी अन्य प्रकार से दिए जाने वाले सम्मान से कहीं ज्यादा मूल्यवान होगी। आज अपनी माँ को याद करते हुए मैं यह कह सकता हूं कि मेरे अंदर जो कुछ भी उन्होंने पैदा किया उसमें से लॉयल्टी आधारभूत रूप से जरूरी है। यह वेडनेसडे मैसेज देखते समय आज आपको खुद से एक सवाल पूछना है कि क्या आप लॉयल हो? क्या आप ऐसे इंसान हो जिसके अंदर लॉयल्टी विद्यमान है? क्या यह आपको परिभाषित करती है? क्या यह आपके चरित्र का ऐसा भाग है जिससे कभी समझौता नहीं किया जा सकता? जैसा कि मुझे याद है मेरी माँ अक्सर कहा करती थी कभी चोरी मत करना, और ये बात मुझे हर रोज सिखाती थी कि मुझे चोरी नहीं करना है, कदापि नहीं करना है। भले ही मैं किसी भी हालात में क्यों ना रहूं, भले ही मैं कितना भी भूखा क्यों ना रहूं, भले ही मैं कितना बेकरार क्यों ना रहूं, पर मैं चोरी नहीं कर सकता। मैं पैसे कमाने के कुछ और तरीके खोजूंगा लेकिन मैं चोरी कदापि नहीं करूंगा। ये भावना शुरू से मेरे अंदर पैदा की गई। परंतु एक चीज जिसका जिक्र हम नेटवर्क मार्केटिंग में पर्याप्त रूप से नहीं करते हैं, जो कि हमारी कोर वैल्यू है, जिसे कहा जाता है लॉयल्टी। आप में से हर कोई आज अपना नेटवर्क बिल्ड करने में लगा हुआ है। आपका फोकस प्रेजेंटेशन के अतिरिक्त किसी व्यक्ति को मैक्स आउट तक पहुंचाने में, हेल्प के अतिरिक्त रिलेशनशिप बिल्ड करने में होनी चाहिए जो कि ऐसे फंडामेंटल वैल्यूज पर आधारित हो जिसे गर्वपूर्वक मैंने अपनी टी शर्ट पर पहन रखा है, जो मेरे दातोश्री के साथ रिलेशनशिप को परिभाषित करता है, जो मुझे भी परिभाषित करता है और उनको भी परिभाषित करता है, क्योंकि वो भी रिश्ते के हर लेवल पर व्यक्ति के प्रति वफादार रहते हैं। आप दातोश्री विजय ईश्वरन और जापानस बिस्मार्क से बड़ा वफादार दुनिया भर में नहीं कहीं खोज सकते। उनकी पार्टनरशिप का आधार ही लॉयल्टी है। लॉयल्टी की परीक्षा उस टाइम होती है जब आप कठिन दौर से गुजर रहे होते हो। यदि आज आप एक ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करने जा रहे हो और आप रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हो, तो इसका निर्माण इस बिल्डिंग लॉयल्टी वाली फिलॉसफी के आधार पर होना चाहिए। आपको किसी से लॉयल्टी प्राप्त करनी होती है, आपके प्रति या आपके रिलेशन के प्रति, आपके विजन के प्रति, आपके लक्ष्य के प्रति, अथवा आपके लाइफ में किसी भी चीज के प्रति भी लॉयल्टी अप्लाई होती है। हम इसके बारे में अपने डाउनलाइन से या अपने बच्चों से पर्याप्त बात नहीं करते कभी, लेकिन रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए पहले लॉयल्टी के मजबूत फाउंडेशन का निर्माण होना चाहिए, तभी वो शख्स आपकी लॉयल्टी को महसूस कर पाएगा। अधिकतर लोग जो गलतियां करते हैं, खासकर नेटवर्क मार्केटिंग में, कि जब वे लीडर बन जाते हैं, जब वे बड़े अपलाइन बन जाते हैं, जब वे सफलता की कल्पना करने लगते हैं, तो दूसरे लोगों से अपने प्रति लॉयल्टी डिमांड करने लगते हैं। वे कहने लगते हैं कि मेरे प्रति वफादार रहो, मैं तुम्हारा बड़ा अपलाइन हूं। ये उच्च स्तर की बेवकूफी है, क्योंकि लोगों से डिमांड की हुई लॉयल्टी कभी काम नहीं आती। आपको लॉयल्टी अर्जित करनी पड़ती है, अपने बिहेवियर से, अपने सेवा भाव से, अपने वैल्यू सिस्टम से, बुरे समय में उनके साथ खड़े रहकर, एक योद्धा की तरह उनके लिए उनकी लड़ाई लड़कर, उनके सामने इस प्रकार से खड़े रहकर जैसे पिछले 22 साल से दातोश्री कर रहे हैं। और आज आप सभी लोग यह वीडियो देख रहे हैं, मैं एक प्रश्न सबसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप वफादार हो? क्या आप हम सबके लिए वफादार हो? क्या आप दातोश्री विजय के प्रति लॉयल हो? क्योंकि मैं अपने दिल पर हाथ रखकर यह बात कह सकता हूं कि दातोश्री विजय आपके प्रति लॉयल हैं।
उन्होंने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं ताकि आपके सपने साकार हो सके। पिछले 22 साल के सफर में के दौरान आपके प्रति अपनी लॉयल्टी को व्यक्त करने के लिए, दर्शाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए और बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत ही बड़ी कीमत चुकाई है। हो सकता है वो आपको जानते तक भी ना हो सकता है आपको कभी देखे भी ना हो, आपने उनसे कभी बात तक ना किया हो, फिर भी वो आपके प्रति वफादार हैं। अब मेरा आपसे प्रश्न है, क्या आप उनके प्रति वफादार हो? दूर जाने के लिए आपको और क्या चाहिए होगा? क्या वो चुनौतियां जो आप मार्केट में फेस कर रहे हो, क्या क्यूनेट की अक्षमता, क्या ये कंपनी के प्रति आपकी निराशा अथवा सफलता के लिए गूगल के अनुसार कल्पना करना कोई वजह हो सकती है? क्या है आपकी लिमिट जिसके बाद आप अपने अपलाइन से दूर चले जाओगे, अपने डाउनलाइन से दूर चले जाओगे, अपने उन सपनों से दूर चले जाओगे जिसके पूरे होने का आपने अपने परिवार वालों से वादा किया था? क्योंकि यही कमजोरी आपकी लॉयल्टी की मजबूती को दर्शाता है। दातोश्री के प्रति, जापादास बिस्मार्क के प्रति, कंपनी के उस महान विजन के प्रति जो लोगों की लाइफ को चेंज करने, एम्पावर करने और दुनिया भर में एंटरप्रेन्योर बनाती है, उसके प्रति मेरी लॉयल्टी की सीमा अनंत है। आज आपको खुद से प्रश्न पूछना होगा, आपको अपने आप में झांकना है, जैसा कि मैंने पिछले 22 सालों के सफर में अनेकों बार किया है, कि जिस दिन आपको ऊपर वाले के यहां से बुलावा आएगा, उस दिन आप किस रूप में याद किए जाओगे? आप सिर्फ अपने धन से याद नहीं किए जाओगे, आप याद किए जाओगे कि किसके प्रति आप कितने वफादार रहे, अपने रिश्तों के प्रति आप कितने वफादार रहे, अपने पति के साथ, पत्नी के साथ, अपने अभिभावकों के साथ, अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जिसे द वी या क्यूनेट कहते हैं, के साथ, जो कि दातोश्री विजय का परिवार भी है, इन सब के साथ आप कितने वफादार रहे। इन 22 सालों में डर के कारण, सफलता की कमी के कारण, अपनी निराशा के कारण, अपने ईगो के कारण, अपने गुस्सा के कारण, अपनी मूर्खता के कारण, अपने लोगों को मैंने ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जाते हुए देखा है और मैंने कभी उनको रोका नहीं, क्योंकि मैं जानता था कि यदि उनकी वफादारी का स्तर इतना ही निम्न है तो मुझे पता है कि एक न एक दिन वो भाग जाएंगे। इसलिए उन्हें आज ही दूर हो जाने दो। 3 साल मेरे साथ चलकर दिल तोड़ने से अच्छा है यार, आज ही दिल तोड़ दो ना मेरा। दवी की असली मजबूती हमारी ट्रेनिंग नहीं है या जो हम कहते हैं वो नहीं है, बल्कि दवी की मजबूती वह मजबूत फाउंडेशन है जिसे हमारे फाउंडर ने बनाया है, जिसे हम कहते हैं लॉयल्टी। लॉयल्टी कभी भी आपके रिलेशनशिप को डिफाइन नहीं करती है, यह हमेशा आपको डिफाइन करती है। आज मैंने आपके चीफ के तौर पर, आपके अपलायन के तौर पर 2 महान व्यक्तियों को रिप्रेजेंट कर रहा हूं जिनके प्रति मैं आजीवन लॉयल रहूंगा। भले ही मेरा सफर चाहे कितना ही चुनौतियों से भरा हो, आपके प्रति मैं भी वफादार रहूंगा। मैं प्रार्थना और आशा करता हूं कि आप सच को पहचानोगे कि आपकी मैक्स आउट तक की जर्नी का आधारभूत घटक, आधारभूत पहलू जो आपके सफलता को परिभाषित करेगी, वो दूसरों के प्रति आपकी वफादारी ही है। आपकी वो वफादारी जो आपके लोगों के प्रति हो, आपके अपलायन के प्रति हो, जो दातोश्री के प्रति हो, यदि आपने इस डीएनए को बिल्ड कर लिया और बिना किसी प्रतिक्रिया के, डर के इसके बारे में बात करने लगे, तो सबसे जरूरी चीज वफादारी न केवल आपके मैक्स आउट में हेल्प करेगी बल्कि पूरे जीवन भर इसका फायदा आपको मिलेगा। उस दिन के लिए अच्छे से प्रार्थना करो कि जिस दिन लोग आपके बच्चे को आपकी स्टोरी सुनाएंगे या जब आपके बच्चे आपके बारे में लोगों से सुनेंगे, तो ये शब्द आपके नाम के साथ जरूर जुड़ा होना चाहिए, जिसे वफादारी कहते हैं। आई लव यू गाइज, माई लॉयल वी फैमिली, आई लव यू।